अस्सलामुअलैकुम क्लास, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? सब लोग ऑनलाइन आ जाएं ताकि हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करें। जी अनाउंसमेंट हो रही है। फातिमा नो ऑडियो। यासमीन आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हाँ जी, अली हमजा अब आवाज़ आ रही है? सिमरा आवाज़ आ रही है? ओके, ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों ने बजटिंग स्टार्ट करना है, और बजटिंग में सबसे पहले हम कहते हैं डिस्क्राइब हाउ द बजटिंग प्रोसेस वर्क, डिफरेंशिएट अमंग द टाइप्स ऑफ द बजट्स, डेमोंस्ट्रेट हाउ टू मॉनिटर
एंड कंट्रोल द बजटरी परफॉर्मेंस. ठीक है, एक्सप्लेन हाउ टू डिटरमिन बजट वेरियंस, डिस्क्राइब हाउ स्टाफ इफेक्ट्स बजटरी परफॉर्मेंस. अच्छा हाँ जी मुबशरा आप आवाज आइए बैठे आपको. अच्छा सी आर अली हमजा आपने मुझे टॉपिक्स बताने हैं जो कि अभी तक आप लोगों ने कवर कर लिए हैं. ठीक है, एक लिस्ट मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि जो टॉपिक्स अब तक कवर हो चुके हैं और जो रिमेनिंग डिस्कशन वाले हैं, डिस्कशन मतलब जिन पे भी कोई भी हम लोगों ने डिस्कशन नहीं की वो टॉपिक अली हमजा मुझे बेटा आप एक लिस्ट या सिमरा या वर्दा जो भी है सी आर आपकी वो मुझे एक लिस्ट बना के सेंड कर दें. समझ आ रही है अली हमजा सिमरा वर्दा किधर आप लोग. ठीक है, उसके बाद कहते हैं नेक्स्ट जो है आपके पास आ जाती है डेफिनेशन. डेफिनेशन में सबसे पहले कहता है बजटिंग इज अ टूल ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल. ठीक है, इसमें आप क्या करते हैं, ये कैसा बेसिकली टूल है जिसमें हम प्लानिंग करते हैं और कंट्रोल करते हैं. बजटिंग इन्वॉल्व्स द स्टेप्स ऑफ सेटिंग शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें हम शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं. ठीक है, अपने थ्रू आउट दी जो एनुअल प्लान है उसको सेट करने के लिए. ठीक है, जिसमें हम स्पेसिफाइंग प्रोग्राम्स आ जाते हैं एंड एक्सप्रेसिंग देम इन द बजट. और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को हम स्पेसिफाई करते हैं, प्रोग्राम्स को स्पेसिफाई करते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए, और हम अपने बजट को एक्सप्रेस करते हैं. बजटिंग इंक्लूड्स सेल्स प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस. बजटिंग के अंदर आपके पास सेल्स आ जाती है, प्रोडक्शन आ जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं आपकी फर्म के. ठीक है, तो ये वो वर्दा बेटे अली हमजा आपने मुझे नंबर है वर्दा न्यू वाला मेरा अली आपके पास है, अगर नहीं है तो मुझे मेक श्योर करें, मुझे प्लीज़ उस पर व्हाट्सएप कर दें जो डिस्कशन में लाने वाले टॉपिक हैं, ताकि मैं उस पर आपका मटीरियल जो है वो अपलोड कर दूँ और हम उसको अंडर डिस्कशन ले आए. नेक्स्ट आ जाता है फिजिकल ईयर. फिजिकल ईयर बेसिकली जो है वो आपका क्या कहता है, एक वन ईयर आपका टोटल प्लान होता है जिसमें कंपनीज या गवर्नमेंट जो होती हैं वो एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करती है कि टोटल होल ईयर के अंदर जो है वो आपने कितना बजट यूज किया है. अच्छा मैंने सेंड कर दिया आपको, आप उस पर मुझे सेंड कर दीजिएगा नंबर, होपफुली आप लोगों को मिल गया होगा. ठीक है, इस पर मुझे सेंड कर दीजिएगा. एनी हाउ फिस्कल ईयर इज द मोस्ट कॉमनली. हाँ जी अली, जितने भी बेटा जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं जो कि अंडर डिस्कशन नहीं आए हैं, ठीक है, वो मुझे आपने बताने हैं. ठीक है, ताकि हम उस लोगों को वन डे में जो आपको टू टू टॉपिक्स करो, मैं उसको वाइंड अप करवाऊँ. ठीक है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ. For tax purpose, the internal revenue surplus IRS IRS होता है आपका. ठीक है, अगर आप कभी FPR के दफ्तर जाए ना तो उस पर आपका एक IRS सिस्टम होता है जिसे आप इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज कहते हैं, जो कि अलाउ करता है कंपनी को कि वो टाइमली जो जितना भी उसने प्रिपरेशन जितनी भी उसने की या पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसकी सारी की सारी स्टेटमेंट जो होती है वो आपको जमा करवानी होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं किसी जगह पे अपना, क्योंकि वहाँ आपकी सैलरी डंप होती है तो वो अब आपको नहीं पता कि उसकी कटिंग कितनी हुई है, आपके पास कितना आ रहा है, टैक्स कितना कटा है, तो वो बैंक जो है ना वो एक बैंक स्टेटमेंट जनरेट करके देता है आपको. ठीक है, होल फिस्कल ईयर के लिए. ठीक है, तो फिस्कल ईयर कहते हैं कि जो टोटल पिछला जो कि जून से जून तक होता है, एकदम जुलाई से आपका नया ईयर शुरू हो जाता है, तो ये जो फाइनेंशियल ईयर होता है इसको बेसिकली हम लोग फिस्कल ईयर भी कहते हैं, जिसमें कंपनीज या गवर्नमेंट के जो फाइनेंशियल इदारे हैं वो बजटिंग को यूज करते हैं, बजट को यूज करते हैं, उसकी रिपोर्ट बनाते हैं टोटल एनुअल ईयर के लिए. ठीक है, अच्छा ये भी बेसिकली मैनेजमेंट का पार्ट है और मैनेजमेंट फंक्शंस में आपके पास प्लानिंग आ जाती है, ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, स्टाफिंग आ जाती है, डायरेक्टिंग आ जाती है एंड कंट्रोलिंग आ जाती है. अब बेसिकली अगर देखा जाए तो ये सारी की सारी जो हम बातें करते हैं मैनेजमेंट लीडरशिप और मैनेजमेंट के अंदर, ये हम लोग बातें कौन सी करते हैं, हम लोग मैनेजमेंट की बातें करते हैं कि मतलब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से काम करवाना है, लोगों से किस तरह से काम लेना है. ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स को इस तरह से मैनेज करना है, प्लानिंग कैसे करनी है, ऑर्गेनाइजिंग कैसे करनी है, स्टाफिंग कैसे करनी है, डायरेक्शन कैसे देनी है और कंट्रोलिंग कैसे करनी है. तो ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी मैनेजमेंट का भी पार्ट है और आपकी रोज़मर्रा जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं तो हायरार्की वाइज आपके जो भी लेवल होता है उस लेवल के अकॉर्डिंग भी आप चलते हैं. अगर हम बात करें प्लानिंग की तो प्लानिंग डिसाइडिंग इन एडवांस,
मतलब आप जब भी कोई काम आपने करना होता है, आपका कोई गोल होता है, तो आप एडवांस में उसकी प्लानिंग कर लेते हो कि हमने ये काम इस तरह से करना है. सो डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट नीड्स टू बी डन फॉर द डे मंथ्स ईयर्स अहेड. ठीक है, मतलब आगे आने वाले चंद सालों में मुझे उन मुझे डेज में क्या करना है, मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स में है, मुझे ईयर्स में क्या करना है, मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स में. फॉर एग्जाम्पल लिली कहते हैं कि जी मैंने MSN करना है BSN के बाद. ठीक है, या वर्दा या सिमरा कहती है कि मैंने MSN करना है इन आफ्टर 4 years या मतलब आफ्टर द स्टार्टिंग ऑफ BSN या आफ्टर 2 years मुझे कंप्लीट करना है. तो ये इसका एक लॉन्ग टर्म प्लान है. जब तक हम किसी चीज़ की प्लानिंग नहीं करते, हमारे माइंड में वो आइडिया नहीं जनरेट होता, हम आगे उसके ऊपर कोई भी अहेड काम नहीं कर सकते. चार्ट्स द कोर्स फॉर द फ्यूचर एक्शन फैसिलिटेट यूज ऑफ टाइम एक्टिवेट्स एंड रिसोर्सेज. उसके बाद आ जाता है रीजन फॉर प्लानिंग. प्लानिंग की रीजन क्या हो जाती है, टू फोकस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स. मतलब हमने ऑब्जेक्टिव्स को फोकस करना है, टू ऑफसेट द अनसर्टेनिटी एंड चांसेस. इसके अलावा हमने अनसर्टेनिटी और चांसेस को देखना होता है, टू गेन इकोनॉमिकल ऑपरेशन. हमने इकोनॉमिकल ऑपरेशन को देखना होता है और हमने फैसिलिटेशन को कंट्रोल करना होता है. टाइप्स ऑफ प्लानिंग में आपके पास स्टैंडिंग प्लान आ जाता है, जैसे लिस्ट ऑफ डेली और स्टैंडर्ड एक्टिविटीज. डेली की और स्टैंडर्ड एक्टिविटीज आपकी आ जाती है, नथिंग क्लियर प्लान आ जाता है, यूज एज ए वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टाइम एंड एक्टिविटीज. और आप क्या करते हो, टाइम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाती हो, टाइम एक्टिविटीज की तरफ जाती हो. टाइप्स ऑफ प्लानिंग में सबसे पहले स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आ जाती है. मार्केट एंड फ्यूचर ओरिएंटेड, ये हमेशा मार्केट होती है और फ्यूचर ओरिएंटेड होती है. प्रोवाइड अ प्लान फॉर द लाइफ ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. और आप क्या करते हो, आप एक पूरा प्लान करते हो फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए. अगर एट एन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल और टॉप मैनेजमेंट, और हमेशा ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल या टॉप मैनेजमेंट के ऊपर की बात होती है. प्लानिंग आ जाती है, मार्केट एंड फ्यूचर ओरिएंटेड होती है. प्रोवाइड अ प्लान फॉर द लाइफ ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन अगर एट एन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल और द टॉप मैनेजमेंट. और आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल होता है, ये टॉप मैनेजमेंट होती है, उसके अंदर ये सारी की सारी डिस्कशन होती है. It includes in-depth analysis of the factors within and outside the organization. और उसमें आपके पास in-depth analysis आ जाता है और outside आपके पास organization आ जाती है. इसमें methods to increase रेवेन्यू इंक्रीज करना हमारा पर्पज होता है. कंसोलिडेट सर्विसेज आ जाती है. रिड्यूस लॉस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, हमने लॉस ऑफ प्रॉफिट को मैनेज करना होता है. प्रोवाइड इनकम प्रोड्यूसिंग सर्विसेज और इनकम प्रोड्यूसिंग सर्विसेज को कंट्रोल करना होता है. इसके अलावा लॉन्ग रेंज प्लानिंग में हमारे पास ऑलवेज हम प्लानिंग करते हैं डायरेक्शन, ठीक है, ग्रोथ के लिए. मिसाल के तौर पर 1 year की भी हो सकती है, 3 years की भी हो सकती है, 10 years की भी हो सकती है, 15 years की भी हो सकती है और 20 years की भी हो सकती है, ठीक है. एडमिनिस्ट्रेशन मीड टू कॉन्टिन्यूली डिवेलप गोल्स फॉर द फ्यूचर. और एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है उसको टोटली जो है वो क्या करती है,
के थ्रू आउट द ईयर जो है वो उसको ओरिएंट करना शुरू हो जाती है, ठीक है, उसको फॉलो करना शुरू होता है। मेरा ख्याल अब तो आवाज आ रही है क्लास आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास टाइप्स ऑफ बजट। बजट की टाइप्स में देयर आर फोर कॉमन टाइप्स ऑफ बजट दैट कंपनीज यूज, जिसे इंक्रीमेंटल कहते हैं, एक्टिविटीज बेस्ड कहते हैं, वैल्यू प्रोपोजिशन होती है, और जीरो बेस्ड होता है, ठीक है। ये वो सारे के सारे हैं जो कि टाइप्स में आते हैं। इसमें आपको मैंने बताया कि एक इंक्रीमेंटल है, एक्टिविटी बेस्ड है, वैल्यू प्रोपोजिशन है, और जीरो बेस्ड है। इंक्रीमेंटल में अगर बात की जाए तो इंक्रीमेंटल बजटिंग टेक्स लास्ट ईयर्स एक्चुअल फिगर्स एंड एड्स और सब्सट्रैक्ट द परसेंटेज टू ऑब्टेन द करंट ईयर्स बजट, ठीक है। इंक्रीमेंटल में हमेशा हम लास्ट ईयर के एक्चुअल फिगर्स को देखते हैं, ठीक है, और हम उसमें ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं परसेंटेज को, ठीक है, और अपनी करंट ईयर के बजट्स को देखने के लिए कि मतलब लास्ट ईयर कितना ऐड हुआ है, कितना सब्सट्रैक्ट हुआ है, कितना हम लोग लॉस में गए हैं, कितना हम लोग प्रॉफिट में गए हैं, ये सारी की सारी चीजें। सो इट इज द मोर कॉमन मेथड ऑफ बजटिंग बिकॉज इट इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ये सबसे ज्यादा कॉमन मेथड है यूज होने वाला, वो इसलिए भी कि ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है। सो इंक्रीमेंटल बजटिंग इज अप्रोप्रिएट टू यूज इट द प्राइमरी कॉस्ट ड्राइवर डू नॉट चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो इंक्रीमेंटल बजटिंग इसलिए अप्रोप्रिएट होता है कि अगर आपके पास जो प्राइमरी कॉस्ट है या जो बेसिक कॉस्ट है अगर वो चेंज नहीं होती एक साल से दूसरे साल के लिए, तो ये इंक्रीमेंटल बजट जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तो बाकी ईयर के लिए जो है वो आपके पास चेंजिंग आना शुरू हो जाए या आपको प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस होना शुरू हो जाए तो फिर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चीज़ आपके लिए कहने के अलार्मिंग होती है। एक्टिविटीज बजटिंग इज ए टॉप डाउन बजटिंग अप्रोच। ये एक टॉप डाउन बजटिंग अप्रोच है दैट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ द इनपुट रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द टारगेट्स और आउटपुट सेट बाय द कंपनी। एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग जो होती है वो टॉप डाउन बजटिंग होती है, मिसाल के तौर पे सीईओ से नीचे की तरफ मूव करती है, नीचे सारे के सारे जितने भी आपके हायरार्की वाइज होते हैं लोग, आप उसमें इनपुट अपनी डिसाइड करते हो कि ये इनपुट्स हैं, इन इनपुट्स के अकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों ने आगे चलना है या कंपनी ने अपने लॉस एंड प्रॉफिट को इस तरह से एडजस्ट करना है। मिसाल के तौर पर कंपनी का आउटपुट टारगेट है $100 million, ठीक है, रेवेन्यू में, तो कंपनी की फर्स्ट जो प्रायोरिटी ये है कि सबसे पहले वो अपनी सारी की सारी एक्टिविटीज को, अपना सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को, कि कितनी सेल्स है हमें, हमारी टारगेट क्या है, सेल्स टारगेट क्या है, उसकी अंडरटेकिंग को सामने रखें, फिर वो इन चीज़ों को फाइंड आउट करें कि इंडिविजुअल जो एक्टिविटी आपने करानी है, मिसाल के तौर पर अगर आपने अपने आपके पास एक कंपनी है, कंपनी में आपने लेट सपोज या फिर 3 rooms बनाने हैं, ठीक है, या एक नर्सिंग कॉलेज है, एक नर्सिंग कॉलेज के अंदर 3 classrooms आप लोगों ने बनाने हैं, ठीक है, तो उन क्लासरूम के लिए आपके पास कॉस्ट क्या है, तो उस कॉस्ट को पहले आप निकाल लें अपने टोटल बजट में से। ये एक्टिविटी बेस्ड बजट है कि एनुअल ईयर के अंदर 2021 के अंदर अगर आपने 3 washrooms या 3 classrooms बनाने हैं तो एक्चुअल में से उसकी डिडक्शन कितनी चली जाएगी और पीछे रिमेनिंग एक्टिविटीज के लिए हमारे पास कितनी चीज़ें बाकी रह जाएंगी। आगे नेक्स्ट आ जाता है वैल्यू प्रोपोजिशन बजटिंग। वैल्यू प्रोपोजिशन में कहते हैं इन वैल्यू प्रोपोजिशन बजटिंग द बजटर कंसीडर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाई इज दिस अमाउंट इंक्लूडेड इन द बजट, डज द टाइम क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर, स्टाफ और अदर स्टेक होल्डर, डज द वैल्यू ऑफ द आइटम आउटवेट इट्स कॉस्ट, इफ नॉट देन इज देयर अनदर रीजन व्हाई द कॉस्ट इज जस्टिफाइड। वैल्यू प्रोपोजिशन बजटिंग इज रियली अ माइंडस्ट about making sure that the everything that is included in the budget delivers value for the business. Value proposition budgeting aims to avoid unnecessary expenditure. Although it is not as precisely aimed at that goal as our final budgeting option, zero-based budgeting. ठीक है, अब वैल्यू प्रोपोजिशन में हमेशा एक चीज़ आपने याद रखनी होती है, वो ये है कि क्या आपने ये देखना है कि जो आइटम आपके पास है उनकी वैल्यू कस्टमर, स्टाफ और दूसरे स्टेक होल्डर्स के लिए क्या सेम है। मिसाल के तौर पे आप कुछ सैनिटरी का सामान, मुझे सीआर जो है ना वो अपना, मैंने अली हमजा को सेंड की थी लास्ट टाइम, सीआर को, अली हमजा को नहीं मिली लास्ट टाइम, अली हमजा से पूछे वो बशरा बैठे, मैंने उसको सेंड की थी और मैंने उसे कहा था कि अभी आगे भी वो जो है ना वो ग्रुप में सेंड कर दें। अली बेटा आपने आगे सेंड नहीं की ग्रुप में स्लाइड जी, मुबशरा पूछे अली से, अली वेयर इज, वेयर आर यू,
और उसके बाद जो यहाँ से सीरम जो है वो सीरम निकल रहा था, लेकिन जैसे ये ऐसा लग रहा है जैसे पहले यहाँ पे पस थी, अब ये पस जो आई होती है अभी भी गया था। जी मुश्रा आपको नहीं मिली क्या? अली आप इस नंबर पे जो मैंने आपको सेंड किया ना, इस पे आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना ले अपना फाइनल ईयर का लीडरशिप का ना प्लीज, और मुझे बेटा उसमें ऐड कर ले आप, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि क्या हो रहा है। अली आप सुन रहे हो कि एक ग्रुप बना लो जिसमें आप मुझे ऐड कर लो लीडरशिप का, ठीक है, फाइनल ईयर के नाम से। वरना या आप बना लो, कोई एक बना रही है मुझे उस ये नंबर जो मैंने दिया है इसमें मुझे ऐड कर ले। Zero based budget. It starts with the assumptions that all the department budgets are zero and must be rebuilt from the scratch. ठीक है, इसमें ये होता है कि हमने सब कुछ nullify कर देना, ठीक है, उसमें हमने nullify करना होता है चीजों को, यानी कि जून में जो आपको मिसाल के तौर पे 1 crore की अमाउंट दी गई है तो आपने नेक्स्ट जून को उसमें इस्तेमाल करके उसको डिफरेंट जो भी आपके बजट्स खुलने हैं, वो जो एक्सपेंडिचर आने हैं आपके बजट रिलेटेड, आपने उस हर चीज़ की कॉपी आपने रेडी रखनी है ताकि जब एट द एंड ऑफ द ईयर आपका ऑडिट होता है तो आपको पता चले कि आपने कौन सा बजट किस जगह पे आपने यूटिलाइज किया है। ये नहीं कि रैंडमली उठा के आपने 3 classrooms बनवा दिए, 3 washrooms बनवा दिए, ठीक है, गार्डन आपने बना दिया, नया रेनोवेट करवा दिया, चेयर रेनोवेट करवा दी, मल्टीमीडिया रेनोवेट करवा दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है, बल्कि आपको चाहिए कि आप क्या करो कि आप उन सब चीज़ों को साथ साथ लेके चलो। अंदर आके दिखाओ, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। हाँ, ये व्हाइट क्या लगा लिया तुमने उसके ऊपर? अच्छा लग रहा है। इसके नीचे बटन खोल के दिया, नीचे क्या बना? अच्छा इकट्ठी हो जाती है ना ये, हाँ ऐसे। फिर हमने इसको क्या करना होता है, हमने इसको जीरो करना होता है, तो इसको जीरो किए बगैर जो है वो हम लोग अपना जो है वो क्या नहीं दे सकते, खुद को जस्टिफाई नहीं कर सकते। सो मैनेजर मस्ट बी एबल टू जस्टिफाई एवरी सिंगल एक्सपेंस, नो एक्सपेंडिचर आर ऑटोमेटिकली ओके, ठीक है। सो जीरो बेस्ड बजटिंग इज वेरी टाइट, एमिंग टू अवॉइड एनी एंड ऑल द एक्सपेंडिचर दैट आर नॉट कंसीडर्ड एब्सोल्युटली एसेंशियल टू द कंपनी सक्सेसफुल या प्रॉफिटेबल ऑपरेशन। दिस काइंड ऑफ बॉटम अप बजटिंग कैन बी हाईली इफेक्टिव वे टू शेक थिंग्स अप। सो इस तरह का जो आपके पास बजटिंग होती है वो आपको बहुत ज़्यादा शेकी बना देती है चीज़ों को, क्यों? क्योंकि आपने उसको बड़ा इफेक्टिवली मैनेज करना होता है और हर चीज़ को जो है वो नेक्स्ट फिस्कल ईयर से पहले या नेक्स्ट जो आपका फाइनेंशियल ईयर है उससे पहले आपने उसको ज़ीरो करना होता है। तो अप्रोच इस बजट के लिए क्या क्या हो सकता है, मतलब उसको कैसे कैसे हासिल कर सकते हैं? बजट में भी डिवेलप्ड इन वेरियस फॉर्मेट्स डिपेंडिंग ऑन हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रक्चर्ड। मतलब अब अगर एक हम बजट हमने किस तरह से बनाना है, मिसाल के तौर पर हमारा नर्सिंग कॉलेज है, ठीक है, या अब अली हमजा को या सिमरा को या मुबशरा को कहा जाता है कि आप बजट प्लान करें अपने कॉलेज के लिए, ठीक है, एज अ प्रिंसिपल, तो क्या पहले आपने ये देखना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की काइंड किस तरह की है, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू है, स्ट्रक्चर्ड लाइन है, पैरेलल है, जो कि हमने पीछे डायग्राम्स पढ़ी है इसकी, तो अकॉर्डिंग टू हमने ऑर्गेनाइजेशन बजट को प्लान करना होता है। दे मे बी कंसिडर एज कॉस्ट सेंटर। अब कॉस्ट सेंटर क्या है? मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेडिक्टिंग डॉक्यूमेंटिंग एंड मैनेजिंग द कॉस्ट, यानी कि स्टाफिंग एंड सप्लाईज ऑफ द डिवीजन। मिसाल के तौर पर आपने प्रेडिक्शन करनी होती है, डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है और मैनेजिंग करना होता है कॉस्ट को, ठीक है, स्टाफिंग करनी होती है, सप्लाईज देखनी होती है डिवीजन की। मिसाल के तौर पर आपको अगर मैनेजर जो है वो पीछे से कमांड भेजता है कि हमें जो है वो सपोज 1% के अगेंस्ट 50,000 चाहिए सैलरी, ठीक है, और आपने 50 जो है वो मुलाजिम रखने हैं 50,000 के 50 एम्प्लॉयज़ को आपने हायर करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी डिमांड भेजोगे और फिर उसके अकॉर्डिंग आपने उसको पूरे एनुअल ईयर के अंदर यूटिलाइज भी करना होता है, सही है। सो
उसको फिर आप डॉक्यूमेंटेशन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, स्टाफिंग है, सप्लाईज है, इन सब चीज़ों को देखना होता है। रेवेन्यू सेंटर मैनेजर है रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, ठीक है। सो मैनेजर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, ठीक है। इंक्रीजिंग पेशेंट वॉल्यूम, ठीक है। ऑन लो हेल्थ केयर रिफॉर्म मे बी ए फ्यूचर ऑफ रेवेन्यू जनरेटिंग सेंटर ऑप्शन है, ठीक है। रेवेन्यू जनरेट करना जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। प्रॉफिट सेंटर में मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग रेवेन्यूज एंड मैनेजिंग कॉस्ट, और प्रॉफिट सेंटर में मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों के लिए, सो दैट द डिपार्टमेंट शोज अ प्रॉफिट या रेवेन्यू एक्सीड कॉस्ट। मतलब अब आपने ये देखना है कि आपका जो रेवेन्यू आपको पिछले फिस्कल ईयर के लिए या फाइनेंशियल ईयर के लिए मिला है, आपकी कॉस्ट उससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अगर कॉस्ट एक्सीड कर देगी तो फिर या तो आप अपना पर्सनली फाइनेंस यूज करोगे, लेकिन पर्सनली भी नहीं आप कर सकती, और ऑल्सो इम्प्लॉय अंडर योर ऑर्गेनाइजेशन। सो वट विल यू डू, आप क्या करोगे कि आप थोड़ा सा अपने बजट को फ्लेक्सीबल रखेंगे। मतलब अगर डिमांड आपकी मतलब 100,000 आप उसमें और ऐड करके मंगवा लोगे कि अगर प्लस माइनस हो जाता है, एट दी एंड आप उसको वापस भेज दोगे और आप उसमें उसकी जो स्टेटमेंट बनाओगे उसमें आप ये शो करोगे कि मैंने प्लस माइनस या 100,000 जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड करवाया है वो इस बजट की फ्लेक्सीबिलिटी, बजट में फ्लेक्सीबिलिटी रखने के लिए मैंने बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इन्वेस्टमेंट सेंटर। मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग रेवेन्यूज एंड मैनेजिंग कॉस्ट एंड कैपिटल इक्विपमेंट, ठीक है। इसमें जो है वो मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, कॉस्ट को मैनेज करने के लिए, कैपिटल इक्विपमेंट को देखने के लिए। पर्पज ऑफ द बजट, सबसे पहले प्लानिंग डॉक्यूमेंट आ जाता है, ठीक है। इनकॉर्पोरेट फाइनेंशियल डेटा यूज बाय द डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद आप इनकॉर्पोरेट करते हो फाइनेंशियल डेटा को, ठीक है, जो कि डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज होता है। उसके बाद फोरकास्ट आ जाती है बोथ रिसीव्स एंड एक्सपेंडिचर की, एक्सपेंडिचर और रिसीव दोनों की फोरकास्ट को आप देखते हो। फाइनेंशियल डेटा आर यूज टू कीप द सिस्टम फंक्शनिंग, और फाइनेंशियल डेटा को आप फंक्शनिंग करने के लिए भी देखते हो।
ओके क्लास इसमें हम लोग कह रहे थे कि फोरकास्ट बुथ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल डेटा यूज टू कीप सिस्टम फंक्शनिंग असेसमेंट ऑफ द वेरिएंस वेरिएंस ये होता है कि आइडेंटिफाई आइटम्स दैट आर ओवर और अंडर बजटिंग अमाउंट कोई बात आ गई ना कि मैं आप लोगों को कह रही थी कि थोड़ा सा बजट के अंदर फ्लेक्सीबिलिटी रखनी होती है अगर बजट फ्लेक्सीबल नहीं होगा तो क्या है कि हम लोग उसको मतलब प्लस माइनस जब एंड पे हो रहा होता है तो हमें इश्यूज हो रहे होते हैं सो आइडेंटिफाई आइटम डेट आर ओवर और अंडर बजटेड अमाउंट ठीक है सो फाइंड आउट व्हाई द वेरिएंस अकर्ड फॉर एग्जांपल अ वन टाइम इवेंट और एन ऑनगोइंग अकरेंस आप वेरिएंस देखते हो कि कितना आ रहा है वन टाइम आ रहा है किसी इवेंट बेस पे आ रहा है या आ ही जा रहा है ऑनगोइंग प्रोसेस है ऑनगोइंग अकरेंस है Keep notes on what you have learned in preparation for the next 5-year budget. और एक साल की हुई गलती आप next साल के लिए उसके लिए careful हो जाते हो ठीक है और आप मतलब अगर variance पिछले साल 2020 में आपका आया है let's suppose 2020 में आया है तो आप क्या करते हो कि आप तो आप उसको जो है वो अगले साल के लिए नहीं करते अगले साल के लिए आप थोड़ा सा केयरफुल हो जाते हो कि यार इस साल ये मैंने विजिलेंस रखनी है और क्या कहते हैं मैं इसको कीप मॉनिटर करूँगा वैलिडेट द यूज ऑफ द ओवर टाइम और द एडिशनल पर्सनल एंड कीप नोट ठीक है और आप उसको कीप नोट करते हो सलमान आप कहाँ से आए हो इस वक्त ठीक है आई विल मेक योर एब्सेंट आप कहाँ से आ गए हो मैं आपकी एब्सेंट जो है ना वो मार्क करूँगी ठीक है उसके बाद कैपिटल बजट देते हैं कैपिटल बजट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द प्लान टू मीट द ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म गोल ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल्स को डिस्कस करने के लिए हम लोग कैपिटल बजट देखते हैं उसमें सबसे पहले आपके पास ये आता है कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन आई एम टॉकिंग अबाउट सलमान बेटा मैं सलमान की बात कर रही हूँ अच्छा आपकी नहीं कर रही पूरे लेक्चर में मुझे नजर नहीं आया मुझे अब नजर आया ठीक है नो ऑडियो के मैसेज के साथ ठीक है द बजट आइडेंटिफाइज फिजिकल रेनोवेशंस न्यू कंस्ट्रक्शन ठीक है उसके बाद न्यू रिप्लेसमेंट इक्विपमेंट प्लान विद स्पेसिफिक टाइम पीरियड अब कैपिटल बजट जो है लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जिसमें हमने मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि 2021 के अंदर जो है वो मैंने एक नया ऑडिटोरियम बिल्ड करना है ठीक है जो कि 100 सीटेड होगा ठीक है उसका इतना एरिया होगा ठीक है इन सब चीज़ों के लिए जो बजट अप्रूव किया जाता है वो कैपिटल बजट के अंडरटेकिंग में आता है सो ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस कैपिटल आइटम बेस्ड ऑन द सर्टेन कंडीशन और क्राइटेरिया ठीक है और उसके ऊपर भी सर्टेन कंडीशन और क्राइटेरियाज होते हैं प्रीमियम जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सम ऑर्गेनाइजेशन प्रीमियम फॉर द सर्टिफिकेशन और द क्लिनिकल लेटर स्टेप इन दिस सिचुएशन अ फिक्स्ड डॉलर अमाउंट मे बी एडेड टू द बेस हॉर्ली रेट ऑफ एलिजिबल पर्सनल फॉर एग्जाम्पल एन एडिशनल additional $1.00 per hour paid for the professional certification this would result in the hourly rate ab premium ye hota hai ke aapko jo hai na wo koi companies jo hoti hai wo honorarium offer karti hai मुझे समझ नहीं आई सर आपके क्वेश्चन की साइट्स की क्या मतलब नेशनल लेवल पे क्या पूछना चाह रही हैं अच्छा उसमें प्रीमियम में जो होती है ना वो आप कह लेंगे एक तरह का बोनस होता है और बोनस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम लोग इसको आगे लेके चलते हैं ठीक है $1 पर और जो है वो इसको पे किया जाता है मतलब ये तो उसने एक अपनी सर्टिफिकेशन बताई है ना हमारे पाकिस्तानी करेंसी में देखा जाए तो प्रीमियम हम किसी भी सूरत में दे सकते हैं एक लेटर स्टेप होता है सर्टिफिकेशन मिल जाती है कि इस बंदे ने पूरा साल जो है वो
ऑर्डली बेसिस पे इतना ज्यादा उसके आर कैलकुलेट किए जाते हैं कि ऑर्डली बेसिस पे जो है वो इतना अच्छा काम किया है, इतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी दिखाई है। प्रॉब्लम अफेक्टिंग बजटरी प्रोसेस, रीइंबर्समेंट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे नहीं, ये नेशनल लेवल पे होता है, दिस इज ऑलवेज नेशनल, वैसे फेडरल का लहजा है ठीक है और प्रोविंशियल का लहजा है, दो तरह के होते हैं। जो फेडरल के जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनका लहजा बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का लहजा से बनता है ठीक है। रीइंबर्समेंट प्रॉब्लम्स में हम लोग ये देखते हैं कि मतलब आप जहाँ से भी पैसे आप लोगों ने बजट के आने हैं वो आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं ठीक है। मतलब गवर्नमेंट को चीज़ें दे रही है पैसे या नहीं दे रही, समटाइम आप ये देखते हो कि आप लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जब आप ज्वाइनिंग देखते हो तो चार चार पाँच पाँच बार पाँच पाँच बार इवन साल बाद आप लोगों की कितनी सैलरी आ रही होती है, तो वो क्या होता है कि पीछे से बजट जो है वो रीइंबर्स नहीं हो पा रहा होता। सो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो क्या करती है, डिस्प्यूट करती है चार्जेस को फॉर द पेशेंट स्टैन रिफ्यूज टू पे देम ठीक है। सो इंश्योरेंस कंपनी किसी तरह से पैसों को अपने पास डिपॉजिट करती है, जब उनके पास फ्री पीछे से लॉन्चिंग होती है तो वो आगे पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देती है। पेशेंट डिस्प्यूट चार्जेस ड्यूरिंग द स्टैन रिफ्यूज टू पे देम, पेशेंट इज नॉट एबल टू ऑब्टेन रिसोर्सेज नीडेड व्हेन डिस्चार्ज ठीक है। और रिसोर्स जो आप जितनी भी आपकी जो कंपनीज बनी होती हैं इंश्योरेंस, ये इसी पर्पस पे काम कर रही होती है कि वंस द बजट इज रिलीज दे विल पे पेशेंट्स टू इन द फ्यूचर, फ्यूचर में उसको पे कर देते हैं। सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, आस्क द फिजिशियन टू एलैबोरेट ऑन द क्लिनिकल रीजन व्हाई द पेशेंट नेसेसिटेटेड अनदर डे स्टे इन द हॉस्पिटल एंड सबमिटेड डॉक्यूमेंटेशन टू द इंश्योरेंस कंपनी। मतलब एक दिन एक घंटे की भी जो आपकी रिपोर्ट है वो इंश्योरेंस कंपनी को जानी चाहिए, उसमें भी पैसे की कटिंग होती है। निगोशिएट द चार्ज विद द इंश्योरेंस कंपनी एंड टेक ए सेटलमेंट ऑन द payment that is agreeable to both parties. Have an internal utilization review group go through the patient's chart and extract lab values. Clinical presentation symptoms testing that were done on the day of stay being disputed and submit to insurance companies as an appeal to denial to pay. Demonstrating necessity to stay. ठीक है, आपने उसमें हर चीज़ केस बना के भेजना होता है ये कंपनी को कि आपकी वहाँ पर स्टे करने की वजह क्या थी। अगर आप स्टे करने की वजह नहीं दी तो वो एक एक घंटे का हिसाब रखते हैं जो कि आपको आपके पर्सनल फिर फाइनेंस से पे करना पड़ेगा जब तक कि कंपनी को नहीं जाएगा। बजटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो एक इंटेग्रल होता है प्लानिंग का, ये प्रोवाइड करता है ऑर्डरली और रैशनल फ्रेमवर्क किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, पूरा का पूरा जो फाइनेंस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है जो कि उसको कंट्रोल करता है डायरेक्ट करता है रिलेटेड टू फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, वो बजटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो सीरीज ऑफ एक्टिविटीज होती है जो कि डिजाइन करती है टू एलोकेट रिसोर्सेज एंड ए प्लान फॉर द एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जितने भी आपकी रिसोर्सेज है रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना और उनकी प्लानिंग करना, फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी प्लानिंग करना, उनको यूटिलाइज करना और उनको डायरेक्ट करना उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। अब प्लानिंग में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, वो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट आ जाता है ठीक है, चेंजिंग डिमांड यानी कि सम टाइम आपको ज़्यादा चाहिए होता है कम मिल रहा होता है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं आप मैनेज कर पा रहे होते, कैपेसिटी नहीं आपके पास इतनी होती, सर्विस कॉस्ट ज़्यादा होती है, मार्केट प्राइस ज़्यादा हो जाती है, अदर फैक्टर्स जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आ जाते हैं जो कि हम 6 मंथ के बाद या 8 मंथ के बाद चेंज हो जाते हैं, जैसे कोविड आ गया ठीक है, स्ट्रैटेजिक डिसीजन आ गए आपके ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स आ गए एंड अदर सेगमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नर्सिंग बजट में जनरेटिंग एंड कंट्रोलिंग द डिविजनल बजट इज अ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स एग्जीक्यूटिव। To predict the budget expense for any anticipated period of time, the nurse executive needs to identify clearly three elements ko usme execute karwana hota hai nursing budget ke andar. Number 1, the present activity of the nursing division ke present activities kya hai. Number 2, the activities that the division plans to institute during the projected financial period. मौजूदा एक्टिविटीज में जहाँ जहाँ हमें लॉस आया है, जहाँ जहाँ हमें कन्फ्रंटेशन या कहने के हम तंग हुए पूरे साल में रिसोर्सेज के होने के बावजूद क्योंकि हमने अप्रूव नहीं करवाया हुआ था बजट, हम नेक्स्ट ईयर में वो चीज़ें नहीं देखेंगे, तीन एलिमेंट्स को देखने दोज एक्टिविटीज द डिवीजन प्लान्स टू डेलीगेट टू डिलीट ड्यूरिंग द प्रोजेक्टेड पीरियड। और डिवीजन और कुछ ऐसी चीज़ें कि जिनकी ज़रूरत नहीं थी वो भी डाल दी गई, उनको हम डिलीट करवा देते हैं। सिस्टम ऑफ द बजट डेवलपमेंट, सेंट्रलाइज्ड बजट जैसे कि अभी किसी क्लास वालों ने आपकी पूछा, आर डेवलप्ड बाय एंड इम्पोज बाय कंट्रोलर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द हॉस्पिटल एंड द डायरेक्टर ऑफ द नर्सिंग सर्विस विद लिटल और नो कंसल्टेशन विद द लोअर लेवल मैनेजर। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड बजट जो होता है वो हमेशा कंट्रोलर करता है या एडमिनिस्ट्रेटर करता है हॉस्पिटल का, जैसे कोई भी MS हो गया, CEO हो गया या नर्सिंग सर्विसेज में नर्सिंग डायरेक्टर करती है, मर्जी है उसकी भी वो लोअर लेवल मैनेजर को इन्वॉल्व करे या ना करे। सो इट इज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप डाउन होता है ये,
बजट विदाउट एनी ऑटोनॉमी और टाइड टू अप्रोप्रिएट और कंट्रोल एक्सपेंस और एक्सपेंस को कंट्रोल. डिसेंट्रलाइज थोड़ा सा डिफरेंट होता है. इसमें मोर एंड मोर हेल्थ एजेंसीज आर रिकॉग्नाइजिंग द वैल्यू ऑफ हैविंग बजट्स प्रिपेयर्ड बाय those who must implement them. The decentralized, the first level manager head nurse becomes actively involved in the planning and budgeting process. Autonomy and accountability and authority are placed at the practitioner level. ठीक है, इसमें थोड़ी सी decentralization होती है. मिसाल के तौर पे जो first level manager होगा वो head nurse होगी. मतलब कितनी injections आने हैं, कितने आपके पास bandages आनी है, कितने आपके पास कह लें कि plasters आने हैं, oxygen cylinder कितने आने हैं, ये सारी के सारा जो है वो head nurse के उसमें हायरार्की में आ जाते हैं. फर्स्ट लेवल मैनेजर इसको देखेगा और उसका अकाउंटेबल या उसका ऑटोनोमस बॉडी जो होगी, जो अथॉरिटी होगी, वो जो उस वार्ड का होली सोली प्रैक्टिशनर है वो उसके पास होगी. टाइप्स में इसको जो है वो फिर नेक्स्ट में कर लेंगे. अभी इसको यहाँ तक जो है वो डिसेंट्रलाइज तक आप रखें. यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. टाइप्स में इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे. नहीं सलमान खान की तो टेंडर्स नहीं लगेगी बिल्कुल भी. Thank you.
Thank you so much. I am already ready.